हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है डे टू और मैं उठ गई हूँ और अब बस थोड़ा फ्रेशन अप होके पढ़ने बैठती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। परसेंटेज 1.5 आवर में पढ़ी। 4 बजे मैं उठ गई थी जैसे कि आप लोग को पता है, और 6 बजे दोबारा सो गई, और अभी सो के उठ रही हूँ। टाइम हो रहा है 7:30, तो अब अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी कल प्रॉपर नींद नहीं हुई थी, इसीलिए मैं सोई। क्योंकि दिन में जैसे कि देव मुझे सोने नहीं देता है, या फिर दिन में मैं आदत छूट चुकी है सोने की, तो मुझे नींद भी नहीं आई, इसीलिए मैंने अभी वो नींद थोड़ी अपनी कंप्लीट की। तो अब मुझे अच्छा लग रहा है और अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ और आगे अपना दिन कंटिन्यू काम करूँ। तो सारा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, नहा धो के पूजा कर ली है और नाश्ता तो मेरा रेडी था ही। तो अब ये तो चले गए ऑफिस नाश्ता करके, मैं अब जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद घर का काम करूंगी क्योंकि देव भी अभी सो के नहीं उठा है और अभी 9:30 भी नहीं हुआ है ना। तो इसीलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ आराम से बैठ के, देन फिर देव उठ जाएगा तो उसके साथ साथ घर का काम भी करती रहूंगी और देव को भी ब्रेकफास्ट करा दूंगी। मैंने बनाया है ढोकला और लस्सी, जो कि काफी हेल्दी है दोनों ही चीजें। और हाँ, ये जो चैलेंज मैं कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं तो अपना बैलेंस बना लूंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे साथ में चैलेंज करने के चक्कर में कहीं आप लोग बीमार पड़ जाओ, क्योंकि मुझे राधिका है जो मेरी फ्रेंड, उन्होंने बीमार मत पड़ जाना। तो मैंने सोचा यार, मैं तो जैसे कि आज मैंने अपना रेस्ट पूरा कर लिया, मैं 4 से 6 पढ़ी और 6 से 7:30 तक सो गई, तो मैंने अपना रेस्ट पूरा कर लिया। लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोग मेरे साथ में उठो और फिर बीमार पड़ जाओ, तो ऐसा मत करना। अगर रेस्ट पूरा नहीं हुआ है तो कहीं भी उसको एडजस्ट करके पूरा करना जरूर। और अब मैं जा रही हूँ बालकनी में खाने के लिए, क्योंकि अंदर बैठ के खाने का बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो फिर से हम आ गए हैं अपने अड्डे पे, मेरे 2 ही अड्डे हो गए हैं, एक ये वाली बालकनी मेरी, ये बालकनी, और एक मेरा रूम अंदर स्टडी रूम। बस ये 2 ही जगह में अड्डा जमा लिया है मैंने। तो चलो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों, ये देव इतना बदमाश हो गया है ना, इसने मुझसे कहा कि मैं पकौड़ी खाऊंगा, मैंने पकौड़ी बनाई और उसके बाद बोल रहा है मैं पराठा खाऊंगा। और मेरा इसने ऐसे ही 10 बजे में फ्री हो गई थी और अब 11 बज गया है और लेकिन इसने कुछ भी खाया नहीं है। जो मैंने ढोकला बनाया था वो एक भी पूरा नहीं खाया, और अब मैंने पकौड़ी का, मैंने कहा इसको मैं पराठा बिल्कुल नहीं बनाऊंगी और पकौड़ी दही के साथ में खिलाती हूँ इसको। देख, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये खाता है कि नहीं। वैसे इसको दही पसंद है तो शायद खा भी ले। अब मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में और मैं आपको बता दूँ कि देव ने दही के साथ में पकौड़ी खा ली थी, और फिर मैंने आके 11 बजे फ्री होके अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट कर दी है यहाँ पे, और वही परसेंटेज ही सॉल्व कर रही हूँ। उसके एग्जाम्पल्स सॉल्व किए मैंने और इस तरीके से अराउंड 12:30 तक मैंने पढ़ाई की। उस वेरी गुड। काइट नहीं है ये, ई ई फॉर, अच्छा हाँ ये ई है, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा है। ये एप्पल है, हाँ ए ए बोलो, ए ये एप्पल, ए है ये, सिर्फ ए, ठीक है। अब वेरी गुड। बताओ ये क्या लिखा है। बी बी। अब बताओ ये क्या लिखा है। ए बी सी डी, कैट, ये सी है, सी।
सी। और बताओ ये क्या है? ये डॉग है। डॉग नहीं, ये डी है। डी, ठीक है। हमारे पानी से पीता ही नहीं। ये क्या है? नो, ई। ई, ये ई है। ये एलिफेंट नहीं, ये ई है। बोलो ई। ये एलिफेंट नहीं, ये ई है। बोलो ई। एलिफेंट। बोलो ई। ई। हाँ, अब देखो ये क्या है? नो, फैन। हाँ, फैन। एफ। बोलो एफ। एफ। पढ़ लिया, परसेंटेज ही आगे कंटिन्यू किया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सगरवाल में, तो बहुत सारे अभी पूरे नहीं हुए हैं वो भी, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट कवर कर सकती हूँ वो फटाफट कर रही हूँ। और अब खाना बनाने आ गई हूँ, थोड़ा सा देव को बिठा के कोशिश की पढ़ाने की, क्योंकि उसमें राइम्स वगैरह में तो वो ABCD ये सब सुनता रहता है, लेकिन उसको क्या लगता है कि कहीं का है डी, तो उसको वो डॉग ही बोल रहा है, डी नहीं बोल रहा है। तो कभी कभी बोल भी रहा है, कभी कभी उसको क्लियर नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मैं उसको थोड़ा थोड़ा डेली एटलीस्ट ABCD प्रॉपर सिखाना शुरू करती हूँ, क्योंकि स्कूल का तो अब कोई भरोसा नहीं है कब खुलेगा क्या होगा, इसलिए धीरे धीरे कोशिश करती हूँ। 2.5 साल से ऊपर का तो हो ही गया है। चले गए हैं अब ऑफिस, खाना वाना हमारा सारा हो गया है। आप तो देख सकते हैं सिर्फ 6:15 बज रहा है, और मैंने सोचा मुंह हाथ धोती हूँ और फिर पूजा कर लूंगी, लेकिन यहाँ आके देख रही हूँ तो देव सो चुका है। गॉड, 6:15 बजे सोया है, मालूम नहीं कब उठेगा, फिर कब रात में सोएगा। हर दिन अलग होता है बच्चों के साथ में, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैंने पूजा कर ली है और अभी मंदिर में ही बैठी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना वो शंख वाला टॉपिक मैं यहाँ बैठ के ही एक्सप्लेन करूँ, और बहुत अच्छा भी लग रहा है, लौ जल रही है, तो यहीं बैठ के मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने आज जो सर्च किया और उसका जो भी सॉल्यूशन या फिर कॉन्क्लूजन बोल लीजिए, सॉल्यूशन तो नहीं क्योंकि सॉल्यूशन तो एक परमानेंट चीज़ हो गई, कॉन्क्लूजन मेरे लिए है। तो आप लोग सुन लीजिए और खुद सर्च कीजिएगा, खुद अपने कॉन्क्लूजन पे आइएगा। तो कॉन्क्लूजन ये हुआ है कि मैंने, पहले तो मैं आपको सोर्स बता देती हूँ, सोर्स गूगल और कोरा। तो कोरा पे आप सबको पता होगा कि बहुत से लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके नीचे बहुत सारे आंसर्स बहुत सारे लोग देते हैं। तो पहले मैंने कोरा देखा और वहां से काफी ज्यादा आंसर्स थे और मैंने उन्हें एनालाइज किया, तो कहीं कहीं पे काफी ज्यादा ट्रुथ था, कहीं कहीं पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद रिलीजन को लेके कोई बहुत ज्यादा पिक्यूलियर हो रहा है। तो एक बैलेंस मैंने उस चीज को करके अपने माइंड में आप लोगों के लिए एक कंक्लूजन आप लोगों को बताने के लिए या फिर अपने मानने के लिए जो रेडी किया है वो ये कि देखिए, शंख बजाना ये एक फिजिकल चीज है, मतलब बॉडी से हम बजाएंगे तो वो एक फिजिकल काम हो गया। शंख भी एक फिजिकल चीज है और शंख को बजाना भी बॉडी के थ्रू होता है, वो भी एक फिजिकल काम ही है। तो अब जब हम फिजिकल काम की बात कर रहे हैं तो पहले से उसमें हम मन नहीं जोड़ते हैं अभी, ठीक है। मन जोड़ेंगे तो क्या होगा, मन को आघात होगा, मन नहीं जोड़ते हैं। फिजिकैलिटी पे बात करते हैं, तो फिजिकैलिटी पे जहां तक बात है तो देखिए, जो एक मेल की बॉडी होती है और एक फीमेल की बॉडी होती है, उन दोनों में डिफरेंस होता है, इस बात से तो कोई डिनाई नहीं करेगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस है उसी की वजह से ये मना किया गया। तो अब होता क्या है ना कि जो पहला टीचर होता है या जो पहला इंसान होता है जिसने वो बात निकाली होगी, उसको तो उसके अंदर तक की गहराई पता होती है और वजह पता होती है कि वो कोई चीज क्यों कह रहा है। लेकिन जब बात आगे चलती जाती है, आगे चलती जाती है, तो लोगों में उतनी ज्यादा बुद्धि नहीं रह जाती और उतना
बोध भी उन लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने भी सुनी सामने वाले से और खुद कितना समझा वो तो उन्हीं के माइंड पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से बात आगे बढ़ते बढ़ते जो उसका बोध होता है, जो मीनिंग होता है उस बात का, वो कहीं पीछे छूट जाता है और सिर्फ बात 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 आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये बात थी कि फीमेल्स को शंख नहीं बजाना चाहिए। अब यहाँ पर लड़ाई क्यों हो रही है, क्योंकि फिर भी कुछ फीमेल्स हैं जो कि बजा रही हैं, जैसे कि बंगाल में तो सब फीमेल ही शंख बजाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि कहीं कहीं पर तो बजा भी रहे हैं तो कहीं कहीं पर नहीं बोल रहे हैं कि नहीं ही बजाना चाहिए। तो इसका कंक्लूजन ये है कि देखिए, बॉडी तो दोनों की डिफरेंट है, मेल की और फीमेल की। तो फीमेल की बॉडी में क्या होता है, हम लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं, दूसरा हम लोग मेंसेस में जाते हैं एवरी मंथ। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो बॉडी का हमारा लोअर पार्ट होता है, जो एब्डोमिनल पार्ट होता है, वहां पे हमारा यूटेरस भी होता है। तो वो एक बहुत सेंसिटिव सी चीज है, ठीक है, वो बॉडी का एक बहुत सेंसिटिव पार्ट है। तो होता ये है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है शंख बजाना जो एक फिजिकल काम है, उसमें प्रेशर लग रहा है माउथ के थ्रू, और डायाफार्म में वो प्रेशर हमको फील होता है जो कि नीचे को जाता है शंख बजाने में, बहुत प्रेशर देना पड़ता है। तो उस प्रेशर की वजह से अबॉर्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, प्रेगनेंसी है तो फिर बेबी को थोड़ा सा प्रेशर आने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए उस टाइम पे तो शंख नहीं बजाना चाहिए, ठीक है, ये एक वजह हो गई। दूसरा ये होता है कि हम लेडीज को एवरी मंथ भी वो प्रॉब्लम है। एवरी मंथ में क्या होता है कि यूटेरस और वो पोर्शन हमारा वीक रहता है, किसी किसी को क्रैम्प्स भी होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं, तो वो पोर्शन जो है एब्डोमिनल जो पूरा पोर्शन है हमारा, जो एरिया है बॉडी का, वो वीक होता है मंथ में, ठीक है, कुछ दिनों में। तो तब जो वीक होता है और तब हम उस पर प्रेशर देंगे, शंख बजाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ हम लोगों को उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इन दिनों में बजाने के लिए मनाही है, क्योंकि वो एक बॉडी के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है वो ये चीज। तो ये हो गई सिर्फ फिजिकल बात ना, क्योंकि अब हम इसको मन पे ले जा लेते हैं तो फिर धर्म से जोड़ देते हैं, और फिर कभी बोलते हैं कि धर्म अच्छा है, कभी बोलते हैं धर्म बुरा है। तो धर्म ने तो हमें दोनों बातें बताई कि क्यों नहीं बजाना चाहिए। उसकी वजह तो क्या है कि कहीं से निकली होगी, नीचे नीचे तक आने तक वजह तो बहुत पीछे रह गई और सिर्फ ये बात चली गई कि नहीं बजाना चाहिए। तो बात ये थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कंक्लूजन मैंने निकाला है तो मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए। और इसके अलावा मंथ में जब आप बहुत फिट महसूस कर रहे हैं, नॉर्मल महसूस कर रहे हैं, तब आप बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तब लेडीज भी बजाएं, जेंट्स भी बजाएं, दोनों बजाएं। तो ये चीज मुझे लगी। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों का इस पर क्या कहना है, इसीलिए ये आप लोग बताना और फिर मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, ठीक है, मजा आएगा ये करने में। चलो अब मैं जाती हूँ खाना बनाने। तो देव अब उठ चुका है और एक घंटे की नींद पूरी करके अभी हो रहा है 7:30, मेरी सब्जी बन गई। एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि फटाफट से खाना बना के मैं इसको एक रोटी ऐसी नींद नींद में बिठा के खिला दूंगी, लेकिन उससे पहले ये उठ गया है और नमकीन खा रहा है। और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, सब्जी मेरी बन चुकी है, मैं खाऊंगी, देव को खिलाऊंगी, उसके बाद थोड़े बहुत छोटे मोटे घर के काम है जो सुबह नहीं हो पाए थे, सोचूं अभी करके सोती हूँ, वरना फिर कल के लिए वो रह जाएगा। तो अभी टाइम है आज मेरे पास काफी, वो मैं कर लेती हूँ। और आज मैंने कम्प्लीट किया सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ी आज। टिप्स दे देती हूँ कि परसेंटेज के जो कन्वर्जन होते हैं ना, जैसे कि 25% को हम बोलते हैं 1/4, इस तरह के जितने भी कन्वर्जन्स हैं उनको आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा, और मैक्सिमम जितने भी कर सकते हैं उतने नोट डाउन करके रखेंगे तो क्या होता है कि हमें माइंड में याद रहते हैं, तो उससे स्पीड बढ़ जाती है हमारी, वो करके रखिएगा। नहीं तो मैं कल शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ में, मैंने भी लिख लिया है क्योंकि, और कल बाकी नया टॉपिक लूंगी। सोच रही हूँ कि आज इसीलिए सोच रही हूँ कि जल्दी काम खाना खा के काम घर के निपटा दूंगी, जिससे कि कल मॉर्निंग में वो टाइम बच जाए और कल मॉर्निंग में घर के कामों की टेंशन ज्यादा ना हो। ओ मिर्ची का हाथ लगा दिया आँख में, ओ गॉड देव। तो ये करूंगी, सही में मिर्ची का हाथ लग गया दोस्तों। अब मैं और आगे बात नहीं कर पाऊंगी, एक काम करती हूँ, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और पहले आंख धोती हूँ अपनी। मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ में, चैलेंज वही होगा, मजा आ रहा है बहुत।
और आप लोग भी अगर ये चैलेंज कर रहे हो तो रेस्ट का भी ध्यान रखना, कहीं ना कहीं रेस्ट को पूरा करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।